अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक कद्दू के फ़वाद पे। अहदीस में लिखा है कि हमारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत मरगूब थे। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र कद्दू को ख़ास अहमियत भी हासिल है। इसे शौक़ से खाया जाता है, इसकी डंडी से लेकर बीज तक कारामत है। रोगने कद्दू को आज से नहीं, पुराने हुकमा बरसों से दिमाग की खुश्की, ब्लड प्रेशर और आसाब के खिंचाव में इस्तेमाल करा रहे हैं। नींद के लिए दवाएं खाई जाती हैं, जबकि गहरी नींद के लिए रोगने कद्दू से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो। पहले तो ये रोगन को कुंडी और डंडे से निकाला जाता था, अब मशीनों के ज़रिए चंद मिनटों में निकल आता है। नज़ला और बुखार में एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने के बाद सीने में खराश, खुश्क खांसी और बलगम में कभी कभी खून आने लगता है। ऐसे में हल्के गर्म दूध में एक छोटा चम्मच रोगने कद्दू मिलाकर सुबह शाम पीने से नज़ला और सीने की खराश दूर हो जाती है, गला साफ हो जाता है और खून नहीं आता। अच्छा, यही रोगन पेशाब कम आने और जलन और दर्द के लिए भी मुफीद है। सुबह शाम शरबत बजूरी के साथ चाय का चम्मच रोगने कद्दू पीने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है और पेशाब खुल कर आता है। और अगर किसी को दायमी कब्ज़ है तो दायमी कब्ज़ के लिए यह रोगन बेहद मुफीद है। मैदे की तेजाबियत और आंतों की खुश्की दूर हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों की नाक बंद रहती हो या बार बार छींकें आकर नाक में जलन हो जाए, तो वो भी रोगने कद्दू इस्तेमाल करें और नाक में अंदर की तरफ दोबारा लगाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिन लोगों को नींद ना आती हो, वो शाम का खाना जल्दी खाकर सोते वक्त रोगने कद्दू पी लें और एक चम्मच तेल की सर से गुद्दी तक खूब मालिश करें। एक हफ्ते के अंदर ही खुश्की दूर होकर गहरी नींद आने लगेगी। जिन लोगों के सर में मुसलसल दर्द रहता हो, तनाव, दिमागी परेशानी से मिजाज चिड़चिड़ा हो गया हो, चक्कर आते हों, इनके लिए भी रोगने कद्दू बेहतरीन दवा है। रात को रोज़ाना इसकी मालिश करें, अपनी ग़िज़ा में घिया शामिल करें, इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे। गर्मी के मौसम में बुखार तेज़ हो, मरीज़ बेचैन हो जाए, तो नरम घिया कद्दूकश करके या बारीक काट कर सर पे रखने से फ़ायदा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पे पहुंच सके।